पुष्कर सरोवर का जल लेकर तीर्थ पुरोहित अयोध्या के लिए रवाना। भगवान रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तीर्थ नगरी पुष्कर में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में पुष्कर के पुरोहितों ने तीर्थ पुरोहित संघ के पदाधिकारियों के साथ पवित्र सरोवर के जल के कलश वैदिक मंत्रों से पूजा अर्चना करके अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। 6 तीर्थ पुरोहितों का दल जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करके अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। पंडित संजय पारासर ने बताया कि पुष्कर सरोवर का जल लेकर पुरोहितों का यह दल आज अयोध्या के लिए रवाना हुआ। कल अयोध्या पहुंचकर पवित्र पुष्कर सरोवर का जल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हेतु वहां कमेटी को सुपुर्द किया जाएगा। ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष पुष्कर नारायण आधाड़ी, कोषाध्यक्ष विमल पाराशर सहित 6 पुरोहित ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सरोवर का जल लेकर अयोध्या पहुंचेंगे। 6 सदस्यीय दल संजय पाराशर, अंकित पाराशर, आशीष पाराशर, सुधांशु पाराशर, देवांश पाराशर, अभिषेक पाराशर शामिल हैं। पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना करने में येशु पाराशर, अंकित पाराशर, मोहित पाराशर, आशीष पाराशर, अजय पाराशर, लखन सरवाड़िया, संजय पाराशर, अशोक पाराशर, मुकेश कुमावत, मोहित पाराशर, नंदकिशोर भोमिया, देवांश पाराशर, अरुण पाराशर, ब्रह्मा मंदिर के पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ, विष्णु पाराशर, हार्दिक काला, सुरजीत वैष्णव, सुभाष पाराशर, गिरिराज पाराशर, राजकुमार पाराशर, कमलेश वशिष्ठ, सुधांशु पाराशर, कौशल मुखिया, पूर्व पार्षद महेश पाराशर, राजन जुगल किशोर वशिष्ठ, अजय पाराशर, रामनिवास वशिष्ठ, वासुदेव पाराशर, गिरिराज पाराशर, दीपक पाराशर, मनोज सेन, अशोक पाराशर, राकेश पाराशर, जगदेव सिंह, गंगा यादव, राजेंद्र गोड, श्याम सुंदर मारोठिया, विवेक राकावत सहित सैकड़ों भक्त पूजा अर्चना के दौरान मौजूद थे। इस दौरान रोजड़ी माता के महंत अमित दास भी मौजूद रहे। पवित्र पुष्कर सरोवर की अर्चना सुभाष पाराशर ने वैदिक मंत्रोच्चार से कराई। दिनेश पाराशर ब्रह्म पुष्कर। अयोध्या जी में जो 400 वर्ष के करीब जो बाद इंतजार के बाद जो मंदिर बनने जा रहा है भगवान श्री राम का अयोध्या जी में, उसके लिए पुष्कर आस्तीर्थ का जल एवं यहाँ का गुलाब जल लेके यहाँ के तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों का प्रतिनिधि मंडल अयोध्या जी रवाना हुआ है। यहाँ सबसे पहले सुबह पहले यहाँ तीर्थ के जल का पूजन किया गया, दुग्धाभिषेक किया गया। उसके बाद में यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित जा रहे हैं उनका माल्यार्पण करके शोल दुपट्टा ओढ़ा के उनको यहाँ से रवाना किया गया। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यह है कि भगवान राम का जो मूर्ति का जो जलाभिषेक होगा तो उसके अंदर सभी तीर्थों का, पूरे भारतवर्ष के तीर्थों का जल एकत्रित किया गया है। तो यहाँ से हमारे को निमंत्रण मिला था कि पुष्कर तीर्थ का जल भी वहाँ पहुँचाया जाए और उसी के साथ यहाँ के जो गुलाब है, देसी गुलाब, जो पिंक गुलाब आते हैं उनका गुलाब का रस जो होता है, गुलाब जल, वह भी यहाँ के भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा में मूर्ति का स्नान वगैरह होंगे तो उसके लिए यहाँ से भेजा गया है। आपका नाम? रेशु पाराशर।